हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कार्ड स्टूडियो आशा है आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे कोविड के इस सीजन में और चूंकि अब ठंड भी शुरू होने वाली है तो ध्यान से हम लोगों को सबको आगे बढ़ना है बिकॉज uh, किसी को भी पता नहीं है कि कोविड पे कोविड का इम्पैक्ट इस ठंड के मौसम में कैसा होने वाला है बट इतना ज़रूर है कि ऐसे मौसम में थोड़ा इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है तो हमको बहुत सावधानी से ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है और यहाँ जो मैं खबर लेके आया हूँ वो हेल्थ से रिलेटेड है बट आई हेल्थ से रिलेटेड है और आंख आपको पता ही आंख के बिना चाहे दुनिया कितनी अच्छी हो आपको दिखाई नहीं देगा तो आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे कर पाएंगे भगवान का इतना बड़ा अच्छा ये ब्रह्मांड दिया हुआ है स्पेशली अर्थ हमारा तो वो तो उसके ऊपर जो मैं खबर जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो ये है कि जो हिंदुस्तान में जो नियर विजन जिसको कहते हैं ना नियर विजन लॉस की जो संख्या है वो लगभग डबल हो गई है जो कि पहले के नाइनटीन नाइनटीज के समय के हिसाब से और अभी के समय में और आप सोचिए कि इसकी figure, इसकी फिगर, संख्या कितनी है चौदह करोड़ के आसपास मतलब हमारे देश में चौदह करोड़ पॉपुलेशन करीब उनके पास नियर विजन लॉस है और पहले जब नाइनटीन में ये संख्या करीब आधी थी आधी से भी कम तो हमको ये जो चौदह लाख के करीब तेरह लाख वन थर्टी सेवन मिलियन पीपल यानी चौदह करोड़ के आसपास ये जो संख्या है ये हमको अलार्म करनी चाहिए बिकॉज जिस तरीके से हम गैजेट्स है और जिस तरीके से डायबिटीज की संख्या बढ़ती जा रही है वो हमारे लिए थोड़ा सा अलार्मिंग बात है और सबसे पहले आपको बता दू नियर विजन लॉस क्या है उसका मतलब होता है इनेबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट वो होता है और ये जो ये जो पूरी जो डेटा है ये करीब ये दो इंटरनेशनल एजेंसी द्वारा कंपाइल किया गया है और उन लोगों को काफी वक्त लग गया छह से सात साल लग गए विजन लॉस एक्सपर्ट ग्रुप और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस इन लोगों ने मिलकर ये फिगर को आ, ये डाटा सामने लाया है तो इससे हमको ये जानना चाहिए कि जो चौदह करोड़ की फिगर है नियर विजन लॉस है इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर पाए अभी तो चौदह चौदह करोड़ है धीरे धीरे ये और भी बढ़ती जाएगी और हमारे पास ऑलरेडी ब्लाइंड फुल ब्लाइंड लोगों की संख्या ऑलरेडी नब्बे बिरानबे लाख के करीब है मतलब हमारे पीछे सिर्फ चाइना ही है वो भी दो दो लाख के पीछे ही है तो मतलब आसपास ही है हम लोग तो हमारे को ध्यान देना है कि जो ब्लाइंड की संख्या है वो उसको भी कंट्रोल करना है और जो नियर बाय नियर विजन लॉस जो है जो कि जो कि तेरह चौदह चो, करोड़ के आसपास की संख्या पहुंच गई है 2020 में इसको हम लोगों को कंट्रोल करना है अब आप बोलेंगे इसमें करना क्या है फिगर तो आपने बता दिया लेकिन हम लोग करेंगे क्या तो जो नियर विजन लॉस का जो मेजर कॉज है सबसे बड़ा यह है कि हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब बढ़ गई है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसमें विजन लॉस एक नेचुरल सा फिनना है बट जो अलार्मिंग बात है कि हमारे यहाँ जो हाई डायबिटीज डायबिटीज सबसे बड़ा री, रीजन होता है नियर विजन लॉस के लिए भी तो जो हाई डायबिटीज की जो हमारे यहाँ संख्या है उसको देखकर हमको थोड़ा सा कंट्रोल करना है और हमारे यहां तो बहुत ही बड़ी संख्या है डायबिटीज की ऑलमोस्ट लाइक वी आर द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और हमारी जो लाइफ है उसमें आप देखोगे कि धीरे धीरे हमने अपनी लाइफ को थोड़ा सा अलग तरीके का बना लिया है हम कोशिश तो करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ बन एक्सरसाइज नहीं कर पाते और बहुत सारे लोग जो है तो ये प्री डिस्पोज होते हैं कि उनको डायबिटीज आगे चलकर होता है तो हमको कोशिश करना है कि ये चौदह करोड़ की जो फिगर है इससे हम ऊपर ना जाएं। और अपने आप को क्योंकि अगर हम नियर विजन लॉस होता है तो ये एक बहुत डिफिकल्ट टाइम हो जाता है किसी के लिए भी तो कैसे इसको हम ध्यान रख सकते हैं मैं तो ये कहता हूं कि आज आप अगर या आपको खुशी होती है अलग अलग फोन के ब्रांड्स के मॉडल्स फोन देखकर गैजेट्स देखकर सब कुछ यूज कीजिए लेकिन बहुत मॉडरेशन में क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास और फैक्टर्स हैं जैसे डायबिटीज हो गया एक बड़ा फैक्टर ऑलरेडी पहले से मौजूद है उसको अगर हम और भी अपनी आईसाइट के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो आ, मतलब वो संख्या फिर बढ़ती बढ़ती जा सकती है और आ, जैसे जैसे बहुत सारी यंगर पॉपुलेशन है वो अगर आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए भी एक प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी गैजेट उतना ही इस्तेमाल कीजिए या उतना ही लीजिए जितनी आपको एक्चुअली जरूरत है इससे आपको फायदा भी होगा और भी अच्छी अच्छी चीजों में आप ध्यान लगा सकते हैं तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूं कि अपना ख्याल रखिए रेगुलर चेकअप्स करवाते रहिए अच्छा खाना खाइए और गैजेट्स उतनी ही उतना ही इस्तेमाल कीजिए जो आपके काम के लिए आपके एंटरटेनमेंट के लिए आपको बिल्कुल ही जरूरत है तो यंग लोगों के लिए मैं यही कह सकता हूं कि जब आप यंग हैं तो आप थोड़ा अच्छा खेलिए एक्सरसाइज कीजिए गैजेट्स का थोड़ा सा कम इस्तेमाल कीजिए जो फोर्टीज के समय बाद का जो समय होता है जिसमें आदमी को एक्चुअली डिजीजेस उसकी उसकी बॉडी में झलकने लगती है थोड़ी थोड़ी और कुछ के केस में ज्यादा रेगुलर चेकअप आप बिल्कुल करवाते रहिए पैसा अभी तक आपने बचा कर रखा है और अगर बहुत ही अच्छी बात है नहीं तो बिल्कुल सेव करना शुरू कीजिए क्योंकि लेटर स्टेजेस पे अगर आपको भगवान करे कोई बीमारी है स्पेशली डायबिटीज वगैरह है तो आपको रेगुलर चेकअप करवा सके उसके लिए ना पैसे रखिए मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास हो आप अभी भी करवा सकते हैं 40 की उम्र के आसपास और उसके बाद एक क्वालिटी ऑफ लाइफ आप जी सकते हैं जिसमें कि आंखों का भी आपका आप ख्याल रख सकते हैं जीवन के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते पोल्यूशन में रहते हैं हम लोग वो सारी चीजें होती हैं तो 40 की उम्र बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है उसमें आप बिल्कुल अपना चेकअप करवाते रहिए आंखों पर बिल्कुल स्पेशल ध्यान देते रहिए बिकॉज जिस तरह के फिगर्स है हम नहीं चाहेंगे कि, कि किसी को भी इस तरह के प्रॉब्लम uh, से गुजरना पड़े सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ चेकअप रेगुलरली करवाते रहिए इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप अर्ली स्टेजेस पे सेव करेंगे तो आपको किसी का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा आपके पॉकेट के पैसे इनफ होंगे मेडिकल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही हैं और अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आपको भी पता है कि गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जैसे आयुष्मान भारत यो, योजना है गवर्नमेंट की जिसमें आप मतलब अपना इलाज भी करवा सकते हैं तो वैसी चीजों का आप पहले से अवेल कीजिए अगर आप बहुत उस हाई कैपेबिलिटी वाले इसमें नहीं आते हैं क्योंकि आंखें तो, तो सबकी होती है चाहे वो अमीर हो गरीब हो चाहे कोई भी हो तो आप अपना ध्यान रखते हुए ये आ, मतलब हमारी पॉपुलेशन के तीनों आ, जो सेगमेंट्स हैं यंग सीनियर सिटीजन उन के लिए तो बस ओवरऑल थोड़ा मजाक के तरीके से भी कह सकता हूं कि भाई अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और डायबिटीज का स्पेशल ख्याल रखिए अगर हाइपरटेंशन का स्पेशल ख्याल रखिए और अगर नया गैजेट्स खरीदने की बात चल रही है उनकी तरफ जितना नजर आप बना के रख रहे हैं उसके पहले अपनी नजरों का ख्याल रखिए मतलब आंखों का ख्याल रखिए उसको स्वस्थ रखने के लिए जो हो सके करते रहिए ताकि जो नेक्स्ट ये जो नियर विजन वाली जो संख्या बढ़ रही है उसको हम रोक सके कम कर सके और आधे से भी और कम कर सकते कर सके कर सके और ये बहुत बड़ी अच्छी चीज होगी हमारे लिए बस इतना ही कहना था इसको नजर नजरअंदाज ना करें और और एक बात का नजरअंदाज ना करें मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए पॉडकास्ट के लिए आइडिया सोचता हूं ताकि अच्छी अच्छी चीजें ला सकूं और कोशिश करता हूं कि मैं कोई सेंसेशन क्रिएट करने वाली चीज की तरफ न, ना ना जा जाऊं चाहे मैं कमी कमी लोग हों सुने तो मैं उनके लिए कुछ वैल्यूएबल चीज लेकर आता रहूं तो मैं भी चाहता हूं कि जब मैं कोई मेहनत करके कोई चीज क्रिएट करूं तो उससे उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं तो बस इसमें मदद कीजिए इसको सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए लाइक like कीजिए ज्यादा ज्यादा लोगों के पास अगर अच्छी अच्छी, अच्छी बातें पहुंचेंगी तो सबके लिए आ, एक अच्छी सी अच्छा अच्छा सा वातावरण बनता है इससे ओके थैंक यू वेरी मच